पुलिस अधीक्षक नुहू श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में सीआईए ताऊड़ू को मिली बड़ी कामयाबी। केरल में एटीएम लूट की 3 वारदातों सहित चोरी हुए गोतस्करी के मामले में कई वर्षों से वांछित आरोपी को निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू प्रभारी सीआईए ताऊड़ू के नेतृत्व में गठित टीम ने ग्वार का बाईपास से दबोचा। आरोपी पर एटीएम लूट, गोतस्करी व चोरी सहित अलग अलग थानों में 10 मामले दर्ज। नोहू पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के दिशा निर्देश पर नोहू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपराध जांच शाखा ताऊड़ू टीम ने ताऊड़ू नगर के ग्वार का बाईपास से केरल राज्य में करोड़ों रुपए के 3 एटीएम लूट के मामले सहित चोरी हुए गोतस्करी में वांछित आरोपी को दबोचा है। काबू किए गए आरोपी पर केरल राज्य में एटीएम लूट, चोरी हुए गोतस्करी सहित अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 10 मुकदमे दर्ज है। आरोपी की पहचान साकिर पुत्र खुशिया निवासी ग्वार का थाना सदर ताऊड़ू जिला नुहू के रूप में हुई है। ताऊड़ू अपराध जांच शाखा प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देश पर अपराध रोकथाम हेतु अभियान के तहत वांछित आरोपी साकिर को सीआईए ताऊड़ू टीम ने नगर के ग्वार का बाईपास से दबोचा है। सीआईए प्रभारी ने बताया कि गुप्तचर से सूचना मिली कि केरल राज्य में करोड़ों रुपए के एटीएम लूट, चोरी हुए गोतस्करी सहित विभिन्न मामलों में वांछित वे उद्घोषित अपराधी आरोपी साकिर अपराध करने के फिराक में नगर के ग्वार का बाईपास पर मौजूद है, जिसे दबिश देकर काबू किया जा सकता है। जिस पर निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू प्रभारी सीआईए ताऊड़ू के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आरोपी साकिर को गुप्तचर द्वारा बताए गए ठिकाने पर दबिश देकर काबू किया गया। पूछताछ पर आरोपी साकिर ने बताया कि उस पर वर्ष 2021 में केरल राज्य के थाना कन्नूरपुरम में एटीएम मशीन लूट के 3 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त सोना सिटी थाने में गोतस्करी के मामले में भी वांछित है। वहीं फरवरी 2013 में ताऊड़ू सदर थाने में चोरी के एक मामलों में भगोड़ा घोषित है। उन्होंने बताया कि आरोपी साकिर के खिलाफ नुहू में ताऊड़ू सिटी थाने में गोतस्करी व चोरी सहित विभिन्न धाराओं के 5 मामले दर्ज है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को नियमानुसार कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।